गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, सुबह सुबह एक काम था तो इसलिए वक्त थोड़ा डिले हो गया। तो हाँ, और मम्मी पूजा करी अभी। हाँ हाँ बाबा, मेरे को मालूम है आपको भी याद है, पकड़े रखे हुए आज मुझे जाना है, मेरे को मालूम है, याद है मेरे को भी। बोला नहीं हूँ नहाऊंगा आज, पक्का बोला ना, ऑल्टरनेट डेज नहाऊंगा तो नहाऊंगा, ये पक्की बात है। अभी फिलहाल इतना तो कंटिन्यूशन रखना है, तो हाँ नहाऊंगा अभी पक्का। और आज अप्पू भाई और रितु दी भी आएंगे गाँव से, 12 तारीख को उन्होंने ट्रेन पकड़े थे, आज 14 है तो आज आ जाएंगे। चलिए तो फटाफट अभी देखते हैं नाश्ते में क्या है और नाश्ता करते हैं। ऐसा लग रहा है नाश्ते में तो आज दूध चौकस ही करना पड़ेगा, तो चलिए कोई नहीं, दूध चौकस चलते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं और फिर दूध चौकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मस्त नहा के निकल गया, हाँ फटाफट जा रहा, ठंडा पानी अभी नॉर्मल लग रहा है एकदम मस्त। नाश्ता करेंगे नहीं, डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। मम्मी बोल रहे क्या नाश्ता बनाएगा, डायरेक्ट खाना ही खा ले, एक टाइम का फूड ही बढ़ रहा है, देखो दर्द हो रहा थोड़ा। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा साइन। मैंने फोड़ भी दिया था, मतलब मेरे में इतनी मस्ती है कि मैं ऐसे जब भी फोड़ जाता तो मैं उससे पहले उसको फोड़ देता हूँ पकने से पहले। हाँ तो इसके लिए शायद अभी और थोड़ा बढ़ रहा है, बोले कोई नहीं ठीक हो जाएगा। और अभी देखते खाने का, खाना शायद बिरयानी बनने बनाने वाला है, आज चिकन बिरयानी, मज़ा आएगा खाने में। और फ्राइड राइस भी खाइए क्योंकि हाँ मम्मी काम करिए इसके लिए, मम्मी के साथ हमने लंच भी जाना है। तो चलिए फिलहाल खाने का वेट करते हैं, सर भी आया आज तो आज हमारे साथ आफ्टरनून लंच में सर भी जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये चिकन बिरयानी आ गया, इधर ना दीदी फ्राइड राइस खा रही है और मैं गुंजा दीदी सर और मैं चिकन बिरयानी खाएंगे, चलेंगे खाते हैं। तो दोस्तों ये रहा बिरयानी, चलिए बिरयानी खाते हैं और मिलते हैं खाने के बाद। दोस्तों फाइनली मस्त खा के हो गया, अभी चलते हैं, अभी हमें एक जगह जाना है, शॉप में आना है। चलो चल के देखते क्या, साइड के साथ चल रहे हैं, ऐसा ही जा रहे हैं, खाए और अभी निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बजे निकल रहे हैं इधर का में, रियल टेक पार्क में आना है, आईफोन 15 प्रो आज लेने वाला दोस्तों। श्रेयस और फेरा में, साई और फेरा में ये चलने लगा कि ये काव है कि बैल है, गाय है कि बैल है, भी साई पूछेगा, साई आराम से लात मारेगा भाई। अरे साई का पोपट हो गया, पोपट साल गांव में रह गया। अरे मेरे से पूछ, हाँ क्या हो रहा था, तू मेरे को सिखा रहा है, मेरे को सिखा रहा है, चल ऑटो में भी आ गए, चलिए चलते स्टेशन। अभी फाइनली साई का वो फोटो गया, अंदर रियल टेक पार्क इधर, साई साई एकदम मोटे ना किस, मुझे लगा पहले, और इधर साई बैठे, और साई ने जो टुक दिया ना, मतलब जो साइंटिफिक रीजन दिया है वहां भैया, साइंटिफिक रीजन दिया है, और मेरे को लग रहा है साई बैठे, कोई नहीं लेकिन साई चलता है, ठीक है होता है कभी-कभी, होता होता है, खाने पीने को मिलेगा। आज लोड़ी है दोस्तों, है ना, आज थी कल थी, कल तो चलाया था, कल चलाने वाला सीन था, हाँ। और मकर संक्रांति तो 15 को, ये पक्का मालूम है। चलिए चलते अभी फिलहाल जाते हैं आईफोन 15 प्रो लेने, अब बहुत हो गया, अब लेना ही है भाई, अब ले ही लेते हैं। तो फाइनली निकल गया ऑटो से और रियल टेक पार्क में है, अभी इधर हमें एक शॉप पे आना है और इधर से फोन लेना है। तो दोस्तों मस्त आईफोन ले लिया, ब्लैक कलर है, ब्लैक नहीं नेचुरल टाइटेनियम, ओके हाँ, बाल बिल लेके अभी फिलहाल बिल के लिए रुके हैं, मस्त फोन लेके अभी निकल रहे हैं, आईफोन 15 प्रो तो फोन तो ले लिया है, अब फोन के साथ एक सूट भी लेना है फेरा का, जो सिलाने दिया था टेलर के पास, आपको याद ही रहेगा अंकल ने बोले थे संडे को आने मास्टर ने, तो चलिए फोन के साथ साथ सूट भी लेने चलते, लेट्स गो। फाइनली पहुँच गए, लेकिन अंकल तो है ही नहीं, गायब है टेलर का, एकदम बंद है, फोन से कॉल करना, अभी मस्त नंबर ढूंढ के निकाल दिया है अंकल ने, ना सीक्रेट में नंबर छुपा दे, और फिर अभी ढूंढ के अभी बात करेगा अंकल जी से, कहाँ है अंकल, संडे को बोला था आने के लिए, सही है क्या है, हाँ बंद करके गए, ऐसे टेलर लोग की आजकल इज्जत नहीं है, अच्छे टेलर के पास टेलर लोग की इज्जत नहीं है। फेरा का फाइनल नंबर लग गया, बात कर रहा है, कल पक्का आ जाओगे ना अंकल, निकलना है लेकिन मेरे को परसों, आप बोली कि इज्जत नहीं है भाई, ऐसे आप झूठ बोलते हो, सुबह 10 बजे कहाँ गए हो अभी आप, हाँ कम पैसे दूंगा बोले, कम पैसे दूंगा, हाँ हाँ भाई ठीक है कर सकते हो, कम पैसे दूंगा, सही सही बोल रहा है, ठीक है ठीक है, कितना बोला था उन्होंने, 1200 हाँ 1200 1200 ना, 1000 रुपए 200 कम है ना, 800 रुपए दे दो, अरे 400 रुपए कम, ठीक है संडे का, संडे को नहीं दिया क्या फालतू, पूरा मूड खराब कर दिया ना, वरना क्या, अब वर्किंग डे में हमें जाना पड़ेगा, उनको बोलो, अरे दूसरी बेगम से बता, रसूल बेगम, रसूल बेगम, चलो चलो क्या अंकल है, अभी अंकल बोल रहे कल आने के लिए, पता नहीं आज क्या कोई रीज़न से ऐसे फालतू सा रीज़न दे रहे अंकल, बोलते हैं मुझे जाना पड़ा, कुछ अर्जेंट काम आ गया, और काम पूछ रहे तो काम बता रहे नहीं है, बुखार है, बुखार है,
एक्चुअली उनको टांग में दर्द हुआ और बुखार हो गया। चलो चलते अभी कुछ नहीं। आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ आईफोन लिया नहीं है, साई ने लिया और ये साई को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है क्या? ये साई नहीं लिया लेकिन साई को भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअली एक अंकल को अपने फ्रेंड को देना। यस अंकल बहुत दिल्ला है अपने दोस्तों के लिए, तो मैं बोला कभी अंकल काश हमारे फ्रेंड भी अंकल जैसे हुए तो मजा आएगा। अंकल ब्लॉग देखने चाहिए। और मैं बोल रहा हूं अंकल साई बोलता है हमको कि आप उस साई के लिए दिलदार नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। और साई को, साई को फोन नहीं दिलाते हो? हां मैंने ऐसा नहीं बोला। तो कृपया अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, अभी वो डर रहा है क्योंकि उसको पता है अंकल घर पे टीवी पे चलता है ब्लॉग। हां गाइस बहुत से डर रहा है। सच बात यही है कि साई को फोन नहीं मिल रहा है अंकल, तो आपने क्या दिया? बहुत अच्छा है, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा नाराज भी है अभी अभी हम साई का। वो आपसे कह नहीं पाता अंकल, मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं, लेकिन साई ने आज बहुत सारे फोन बोलते हैं निहारे एकदम, काश ये फोन आ जाए, काश ये फोन आ जाए। तो प्लीज अंकल एक गिला दो साई को भी, रिक्वेस्ट गिला दो साई को भी। अभी चलते चलते फाइनली गन्ना जूस पीने का प्लान हुआ है और गन्ना जूस पियेंगे। और ये देखो छिले हुए गन्ने चबा सकते हो बिना दांत से छील के ना। हम तो गांव में ऐसे ही खाते हैं। बस बस लोखंडी दाद है ना, लोखंडी दाद है ना, छीलते ऐसे दांत से। और हाँ दांत से खाते डायरेक्टली, छीलता है। हाँ छीलते नहीं है दांत से, मतलब वही ना ऐसे छिला हुआ ही रहता है, यहाँ पर काटते नहीं होता, इतना भी नहीं छिला हुआ है। ये मस्त गन्ने का जूस पी रहे, चलिए पीते हैं और मिलते पीने के बाद। मस्त दोस्तों अभी गन्ने का जूस पी लिया, मज़ा है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ लोहड़ी का फंक्शन हमारे सामने गुरुद्वारा है उसमें। सभी पंजाबी दोस्तों को हैप्पी लोहड़ी। और दोस्तों ये रहा गुरुद्वारा और मस्त सजा है, और ये सामने पगड़ी के लिए पग, तो मस्त सजा है। और फंक्शन वंक्शन जैसे कि आप देख रहे हो दूर दूर तक सजाया है एकदम लाइटिंग वाइटिंग के साथ, क्या बात है। पंजाबी ट्रस्ट की तरफ से एक फ्री में कैंपेन है, यहाँ गुरुद्वारा में फ्री प्रसाद दे रहे हैं, पानी का बॉटल और ये सब। दोस्तों साई ने ले लिया प्रसाद। साई क्या क्या है प्रसाद में? जलेबी और ब्रेड पकौड़ा है। क्या बात है। प्लीज साई ने सफाजेट कर लिया प्रसाद को, लोहड़ी का प्रसाद। साई कैसा लगा लोहड़ी का प्रसाद? अच्छा प्रसाद को बुरा नहीं कहा। मैं नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भरा था, वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने पानी का बॉटल लिया, पानी का बॉटल पिया। अभी फेरा ने पानी का बॉटल पिया और साई ने पानी का बॉटल पिया, नहीं शायद फेरा ने पिया ने अपना साई को दिया और साई ने वो भी पी लिया, तो दोनों साई ने पिया। अभी हम चल रहे हैं खेलने क्रिकेट, चलिए चलते हैं, थोड़ा पेट वेट बचेगा तो सही। कोई खा नहीं तो अभी घर की ओर प्रस्थान कर लिए, प्रस्थान कर दिए। चलिए बंद है। तो दोस्तों अब मेरे को आलू लाना है, चलिए चलते आलू लेके आते हैं। आज पैकिंग तो इतना कुछ किया नहीं, बस फोन लेके आज चलिए को नहीं ज़्यादा फटाफट लेके आते हैं, फोड़ी पड़ गया है। आलू लेके आना आलू। तो दोस्तों मस्त आलू ले लिया, चलिए चलते हैं घर पे। तो फाइनल दोस्तों घर पे आ गए, आलू दे दिया है, साथ में आज खाना दीदी बना रही है, तो प्लेट देना है ये को। चलिए ये रहा प्लेट, ये लो ये रहा प्लेट। ओके और गांव से अपू भाई आए हैं, थोड़े काले हो गए अपू भाई, देखना रहेगा आपको। और बाकी अपू भाई गांव से लाया है साग। अपू भाई क्या घास वास क्या खेत वेत से तोड़ उड़ दिया है? खेसारी का साग। खेसारी खेत का है भाई, ये देखो तो मस्त खेत वेत से निकला है, पूरा हुआ है। तू तोड़ ली मम्मी से? मम्मी तोड़ी मस्त। ये देखो मम्मी अलग से गुच्छा बना रही है, मम्मी आप बेचने वाली हो एक एक बाटा? नहीं दे तो अलग अलग साग है, ये नहीं होगा ना, ये सब तो गलत नहीं है, इसके लिए खुंची खाली छोड़ दो, चुनना पड़ता है ना। तो मम्मी मस्त अभी साग हटा रही है और निहा दीदी आज का खाना कर रही है, क्योंकि मम्मी को टाइम लगेगा साग को बेचने में। दादी आज बना रही है कुंदरी और आलू का भाजी, है ना दीदी? भाजी की भुजिया। तो चलो सब लोग गए काम पे, मिलते हैं खाने के समय। भाई मम्मी का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मम्मी अभी भी साग ही साफ करी है, बाकी न्या दीदी का आधा सादा प्रोग्रेस हो चुका है। ये देखो ये बना दिया आलू का भुजिया, इसमें कुंदरी दिख रही नहीं है लेकिन इसमें कुंदरी भी है, कुंदरी गल गया है, गल गया है ना। और इसमें दाल है और अभी नादी तड़का लगाएंगी दाल को, है ना नादी? क्या ये तड़का लगाने के लिए? भाई 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 ये रहा कांदा है, ये तड़का लगेगा। चलो चलो तो प्रोसेस में टाइम अभी खाना बनने के लिए, सबर करो सबर करो। तो फाइनली दोस्तों खाना बन गया है, अभी खाना बांट रहे हैं, मनीषा खाना दे रहे हैं और दीदी भाजी बांट रही है और दाल तो रख दिया है। मेरे को कम देना राइस, हाँ मनीषा मेरे को राइस कम देना था, और थोड़ा डाल दो बस बस मेरे भाई बस। मम्मी अरे बस बोल रहा, और डाल रहे हो? मेरे को बस मेरे को बस मेरे को बस।
हाँ बस अभी खाना खाऊंगा डायरेक्ट। तो दोस्तों कुंदरी आलू का भुजिया मिक्स, ये रहा दाल फ्राई। दाल फ्राई दिखने में अच्छा लग रहा है आज मेरे को, थोड़ा कलर थोड़ा अलग है, डेली साफ दिख रहे रहोगे। और ये राइस, राइस थोड़ा मैं कभी खाऊँ आज, हुए का तो और लूँगा ऊपर से। तो चले खाते हैं और मिलते खाने के बाद। मेरी खाना स्टार्ट कर दिया, मनीष भाई मूवी देख रहे इधर, तो ये मूवी देख के खाएंगे, चले खाते हैं। तो दोस्तों मस्त खाना खा के हो गया है, अच्छा खाना टेस्टी था, और होप जैसा खाना टेस्टी हो, खाना एकदम बराबर हो, वैसे मेरा फूड भी बराबर हो जाए कल तो। हाँ कल कोट का भी लेने आना है, मतलब कल कोट भी बन के तैयार हो जाएगा, तो कल कोट वाले ये बोले कि आ जाना टाइम पे, तो मोस्टली सुबह सुबह ही चले आएंगे। फेरा को भी आज मिला नहीं, तो कल फेरा बोला कि साथ में चलते हैं। कल फेरा को भी बोला, कल मास्टर ने भी टाइमिंग दिया, टेलर ने भी टाइमिंग दिया, तो दोनों एक साथ करके आ जाएंगे। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जैसे खाना एकदम बराबर था, कोट भी एकदम बराबर हो जाए, चकाचक फिट हो जाए। फिर जूते भी लेने हैं, तो जूते भी बराबर से मिल जाए, तो हाँ सब एकदम टिप टॉप हो जाए। और फिर मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगा कल से, मैं भी अपना पैकिंग स्टार्ट कर दूँगा, ट्रैक बैग निकालूँगा। तो चलिए दोस्तों आज व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, होप आपको अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना, सो प्यार तेरे बने रहे, और कुछ नहीं, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, तंदुरुस्त, सुख से। जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम। बाय दोस्तों, गुड नाइट, शब क्या, जय श्री राम, क्या जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाबा, बाय, जय श्री राम, बाय। आज से बाय नहीं करेंगे, आज से जय श्री राम बोलेंगे, क्योंकि इनॉग्रेशन हो रहा है अयोध्या मंदिर जी का, प्राण प्रतिष्ठा। यस, जय श्री राम। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।